यदि कुछ जीवन में करना है तो यदि आपको आकाश छूना है तो उड़ान भरना सीख। दो राजा था, दोनों एक पक्का दोस्त था। ये राजा ने जो है अपने दोस्त से मिलने के लिए अपने दोस्त के पास आया और कुछ दिन रहा। और जब वह राजा जाने लगा, उसका दोस्त जब जाने लगा तो उसको एक गिफ्ट दिया। तो वो जो है एक अजीब नस्ल का दो पक्षी था, पूरा अजीब नस्ल का एक पक्षी था। उसको जो दोस्त को गिफ्ट दिया था, दोस्त भी देखकर बहुत ही खुश हुआ और वह गिफ्ट जो है उसके यादगार बन गया। और वह अपने स्टेट जब गया, स्टेट गया और जो है वो अपने स्टेट में सबसे बुद्धिमान बढ़िया ट्रेनर को बुलाया और बोला कि इसको जो है युद्ध सिखाओ, उड़ना सिखाओ और जो है बहुत में जो मेरा काम आ सके ये दोनों को सिखाओ। तो वह ट्रेनर जो है वो उसको जो है ले लिया। और जब वह ट्रेनर उसको सिखाया, कुछ दिन लोग सिखाया, उसके बाद जो है ट्रेनर के तरफ से जो जवाब आता है तो वो बोलता है कि महाराज, एक तो बहुत अच्छा से उड़ रहा है और सब कुछ कर रहा है, तीरंधारी है, समझदार है, और एगो जो है कुछ करता ही नहीं है, एकदम नीठा कहिए तो बकलोल है। इससे हम थक हार गए, पूरा थक हार गए, तो इससे जो कुछ हो ही नहीं रहा, ये उड़ता ही नहीं है। तब दूसरा तो आ रहा बहुत अच्छा से उड़ रहा, पहला जो उड़ ही नहीं रहा, ये हम इसके पीछे थक हार गए, 2 महीना से प्रयास कर रहे हैं लेकिन ये उड़ ही नहीं रहा है। तब जो है वो राजा को सौंप दिया और राजा ने उसके सिखाने के बदले एगो को उसको कुछ गिफ्ट दिया। वो ट्रेनर को बोला कि इसको जो है तुम ही जो है एक अच्छा आदमी को दे दो कि सिखाएगा। तो वह जो है एक जंगली इलाके में ट्रेनर बोला कि इसको जो सिखाएगा उसको विशेष रूप से पुरस्कार दिया जाएगा। तो वह जो है ट्रेनर जो है उसको जो है एक बूढ़ा आया, बोला कि हम इसको उड़ना सिखा देंगे, तो उसको दे दिया। और जो है वह जो है वही 2 से 4 दिन बाद वह बूढ़ा जो है उसको राजा को ले गया और उसको दिखा दिया कि पक्षी उड़ रहा था। तब राजा बोला ये तुम कैसे संभव कर दिया कि कभी उड़ ही ना रहा था, इतना बकलोल पक्षी आप कैसे उड़ा दिए। तब वह बोला कि हम कुछ नहीं किया, ये जिस डाल पर बैठा था, यानी जिस ब्रांच पर बैठा था, जो शाखा पर ये बैठा था, बस उस शाखा को हम काट दिए, तब ये जो है अपने उड़ने लगा। तो वही कारण है कि आप भले ही मंद बुद्धि हो, समझ में नहीं आ रहा, यदि आप मेहनत करेंगे, आपका रास्ता दिखाने वाला सही रहेगा, तो आप जरूर आकाश को छुइए।